350 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 400 किलोमीटर का माइलस्टोन भी अचीव। उनका जो मेट्रो सिस्टम है वो 30-40-50 किलोमीटर, इतना बड़ा डिफरेंस है दिल्ली के मेट्रो सिस्टम में। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शामिल है। 4.7 मिलियन की जो है ना डेली राइडर्स, इतना बड़ा स्केल है दिल्ली मेट्रो का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और आप लोग देख रहे हैं एंडोपाक रिएक्शंस। तो यार आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ, इस वीडियो की रिक्वेस्ट पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो लगातार आ रही है और कोई 4-5 लोग नहीं है बल्कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है ना ये वीडियो रिकमेंड कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का बर्ड आई व्यू है, मतलब ड्रोन व्यू है दिल्ली मेट्रो का। और मेरे पास आप लोगों के जितने भी लिंक्स आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं उन लिंक्स में तकरीबन 95% सेम वीडियो निकली है। तो मैंने सोचा जो है ना आज ज़्यादा डिले किए बगैर जो है ना इस वीडियो को मैं आज चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये वीडियो जो है ना सिद्धार्था रॉय चैनल की वीडियो है। इनके चैनल का जो ओरिजिनल लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की टॉप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ओरिजिनल क्रिएटर को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको ज़रूर जो है ना सपोर्ट करें और मेरे साथ मिलकर मेरी वीडियो भी लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और इंस्टा पर फॉलो भी ज़रूर करना। तो चलें, वीडियो भी खैर इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर, 24 दिसंबर जो है ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है। कुतुब मीनार, अच्छा ये शायद स्टेशन का जो है ना नाम है, कुतुब मीनार के नाम का स्टेशन है। ज़बरदस्त यार, हुदा सिटी सेंटर, क्या व्यू है यार। एक ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त डबल डबल जो है ना फ्लाईओवर बने हुए हैं और अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, एक उस साइड को निकल रही है, एक इस साइड को निकल रही है। छतरपुर, यार दिल्ली में अच्छी खासी ग्रीनरी है यार। दिल्ली को जो है ना मैं अक्सर लाहौर के साथ कंपेयर करता हूँ, लेकिन लाहौर में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे तो दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। कश्मीरी गेट, मंडी हाउस, मंडी हाउस, ठीक है, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा, अच्छा ठीक है, ये वो बिल्डिंग है ना यार, सुपरनोवा, ठीक है। जसूला अपोलो,
क्या खूबसूरत शहर है दिल्ली। तो यार वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से शूट हुई हुई थी। और अगर दिल्ली मेट्रो की मैं बात करूं तो दिल्ली मेट्रो ने मुझे बहुत पहले से जो है ना वो हैरान करके रखा हुआ है। जब से मैंने वो टॉप 13 मेट्रो सिस्टम वाली वीडियो देखी थी तब से दिल्ली मेट्रो ने मुझे जो है ना अपनी लेंथ की वजह से हैरान करके रखा हुआ है, क्योंकि 350-350 किलोमीटर इसकी लेंथ है और यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर का जो सफ़र है वो 340 किलोमीटर है। तो इस लेंथ को देखकर जो है ना वो अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा स्केल है दिल्ली मेट्रो का। बल्कि आप में से कुछ दोस्तों ने जो है ना डिटेल्स शेयर की थी कि इसकी एक्सटेंशन का काम भी अभी चल रहा है और मे बी नेक्स्ट विद इन 1 ईयर जो है ना ये अपना 400 किलोमीटर का माइलस्टोन भी अचीव कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुँह से बोल देना 400 किलोमीटर ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो नॉर्मल सिटीज़ होते हैं उनका जो मेट्रो सिस्टम है वो 30-40-50 किलोमीटर की रेंज में होता है। बल्कि आप लोगों का ही शहर है हैदराबाद जिसकी मेट्रो की लेंथ जो है ना वो 60-70 किलोमीटर है तकरीबन, जो कि दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इतना बड़ा डिफरेंस है दिल्ली के मेट्रो सिस्टम में और बाकी सारे सिटीज़ के मेट्रो सिस्टम में। और मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि दिल्ली के साथ ही जो NCR अटैच है इन्हीं की वजह से जो है ना दिल्ली मेट्रो की लेंथ भी इतनी ज़्यादा है और कामयाब भी इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ये सारा जो NCR है जिसमें गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शामिल है, ये सारा जो NCR का रीजन है ये सैटेलाइट है और बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल रीजन है। इस सारे एरिया में जो है ना ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा है। बल्कि गूगल के स्टैट्स तो ये बताते हैं कि 4.7 मिलियन की जो है ना डेली राइडरशिप है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है ना दिल्ली मेट्रो का स्केल इतना बड़ा है। और अभी तो इस छोटी सी वीडियो में जो है ना सारी मेट्रो कवर ही नहीं की गई और मेरा नहीं ख्याल कि 30% भी जो है ना वो मेट्रो इसके अंदर कवर हुई होगी। बट ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसके साथ एक दो वीडियोस और भी आई थी, उनको भी मैं ज़रूर देखूंगा, लेकिन अपने दौर पे आप लोगों के साथ मिलके मैंने ये एक वीडियो देख ली है। अब आप लोगों ने कमेंट्स में जो है ना मुझे और अच्छी अच्छी सजेशंस देनी है ताकि मैं आप लोगों की जो है ना रिकमेंडेड वीडियो नेक्स्ट पोल में ऐड कर सकूं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा? अगर तो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना और ओरिजिनल क्रिएटर को यार ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।